ये असाइनमेंट मैंने तीन साल पहले बनाया था उस वक्त सर ने हमें पाँच असाइनमेंट दिए थे तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सारे प्रोग्राम का कंबाइन एक ही प्रोग्राम बना लूं तो उस वक्त मैंने बनाया था अभी मैं अपने गिटअप प्रोफाइल को चेक कर रहा था तो ये मुझे कोड मिल गया तो सोचा कि इसको रन करके दिखाता हूँ तो इसको मैं रन करता हूँ ओके अब इस विंडो को मैं थोड़ा सा इनक्रीज कर लेता हूँ साइज को यह प्रोग्राम रन कर रहा है तो सबसे पहले मैं इसमें क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्या क्या है तो क्वेश्चन नंबर वन देखना देखना है तो वन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे है कि राइटर प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैल इन रॉम और नॉट यूजिंग पॉइंटर तो इंटरनली मैंने पॉइंटर यूज़ करा था लेकिन आउटपुट में तो हमें पता चलेगा नहीं बस हमें आउटपुट सही आ रहा है या नहीं ये पता चलेगा तो अगर इस प्रोग्राम को रन करना है तो हम वाई प्रेस कर देंगे अदरवाइज एन तो अभी मैं एन प्रेस करता हूँ ताकि सारे क्वेश्चन दिखा सकूँ आपको जो सेकेंड क्वेश्चन था वो ये था कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ वॉवल्स कॉन्सोनेट्स स्पेशल कैरेक्टर्स लाइन्स यानी लाइन्स यानी कि सेंटेंस ओके एंड देन डिजिट्स अपर केस एंड लोअर केर्ड्स तो ये सारे मतलब एक सेंटेंस हम एंटर करेंगे सॉरी एक स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे और उसमें हम ये फाइंड करेंगे कि टोटल कितने ये सारे कैरेक्टर्स वॉवल्स अपर के लोअर केटर्स ये सारे अवेलेबल हैं तो इसको भी मैं एंड करता हूँ देन क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि राइट प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट बबल शॉर्ट इंसर्शन शॉर्ट सिलेक्शन शॉर्ट ये शॉर्टिंग का था तो सारा का, का काम एक ही है यहाँ पे बस इंटरनली वो डिफरेंट हुआ था तो बस आउटपुट एक या दो का दिखा दूंगा एक ही का दिखा दूंगा क्योंकि एक या दो कंप्लीट नहीं कर पाया था तो मैंने टेम्परली जो है सेम ही फंक्शन लिख दिया तो आउटपुट वैसे सबका सेम ही रहेगा इसको मैं एन करता हूँ देन क्वेश्चन नंबर फोर

एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है सब ऑफ मैट्रिक्स करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तो ये सारा कंबाइन है इसमें अगर इसको रन करना है तो वही करेंगे अदरवाइज इसको भी मैं एन करता हूँ एंड देन जो फिफ्थ क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम विद ऑल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंक्शन टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज एन नार्सिस्टिक्स नंबर या आर्मस्ट्रांग नंबर सेम ही नंबर है या फिर स्पेशल नंबर या फिर परफेक्ट नंबर या प्राइम नंबर मैजिक नंबर या पैलिंड्रोम नंबर और ये प्रोग्राम क्या है ना कि कंटिन्यूस चलेगा जब तक आप इसको क्लोज नहीं करना चाहो ये क्लोज नहीं होगा अब मैं क्वेश्चन नंबर वन एंटर करता हूँ इसमें आता है कि ये जो गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम चेक करना है तो अभी मैं यहाँ पे यस yes करता हूँ वाई और अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एंटर द स्ट्रिंग तो अब जैसे एंटर करता हूँ स्ट्रिंग रेस कार ये क्या है कि पैलिंड्रोम है तो रेस कार इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग डेफिनेटली तो अब फिर यहाँ पे दोबारा से पूछा गया कि और भी कोई स्ट्रिंग है जो चेक करना है मैंने बोला यस अभी जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं और क्या मैडम हुँ? ओके ये भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है अभी यहाँ पे कि और चेक करना है मैंने यस किया ओके और यहाँ पे जैसे कुछ भी दे दिया कंप्यूटर तो ये क्या है कि कंप्यूटर इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग तो ये खत्म हो गया अभी इसको और चेक करना है नहीं करना है प्रोग्राम से बाहर आते हैं यानी कि वो प्रोग्राम सही से चल गया सेकेंड करते हैं सेकेंड में क्या है कि राइटर प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग हम देंगे और उसमें कितने भी मतलब जो ये सारे कैरेक्टर्स हैं वर्ल्स हैं वो सारा पता करेगा तो इसको रन करना है तो मैं यस करता हूँ ओके देन एंटर द साइज ऑफ स्ट्रिंग तो जो स्ट्रिंग हमें एंटर करना है उसका एस्टिमेटेड साइज कितना हो सकता है तो मैंने टू हंड्रेड कैरेक्टर दे दिया इतना तो होगा नहीं अब बोलता है कि एंटर द स्ट्रिंग तो मैं Do you know? a okay, what do you think about this program? And enter. The code link is given in the description. तो वहाँ से आप code इसका देख सकते हो. Okay. अभी मैं यहाँ पे और तो कुछ है नहीं. इसी को मैं एंटर कर देता हूँ तो आप देखो इसका जो आउटपुट है कि इसमें क्या क्या मिला नंबर ऑफ वर्ल्ड जो था 25 है इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 42 टोटल लोअर केस जो है 65 है आप उतना तो काउंट नहीं करेंगे ठीक है वो आराम से बैठ के काउंट करना नंबर ऑफ अपर केस टू है अपर केस देख सकते हैं कि यहाँ पे एच है फर्स्ट में और एक यहाँ में द में टी है और उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर जैसे यहाँ पे एक कॉमा है देन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे एक डॉट है तीन हो गया और एक यहाँ पे डॉट तो ये चार यानी कि नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर कितने हो गए फोर हो गए फिर नंबर ऑफ वर्ड्स जैसे हे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोग्राम तो ये वर्ड काउंट कर लिया तो ये प्रोग्राम देख सकते हो ये भी अपना सक्सेसफुली रन हो गया ये भी आउटपुट दे रहा है उसके बाद में अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थ्री रन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है कि बबल शॉर्ट मतलब इसमें इंसर्शन जो भी शॉर्टिंग है वो हम इम्पलीमेंट हुआ है तो उसको हम देखते हैं तो मैंने यहाँ पे यस yes किया अब ये पूछ रहा है कि कितना नंबर आपके पास है जो जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हो लेट से मैंने सेवन दे दिया ओके okay, तो अब बोल रहा है कि सातों नंबर जो एंटर करना है तो मैंने ट्वेल्व दिया फोर्टी थ्री दिया सिक्सटी फाइव दिया सेवन दिया थर्टी फोर दिया देन एटी सेवन दिया एंड देन फोर्टी नाइन दे दिया ओके okay. तो ये इनपुट ले लिया अब ये पूछ रहा है कि कौन सा शॉर्टिंग देखना चाहते हो बबल शॉर्ट इंसर्शन शॉर्ट सिलेक्शन शॉर्ट हीप शॉर्ट मर्ज शॉर्ट तो इसका आउटपुट हमें सेम ही दिखेगा और एक या दो में है कि उसमें मतलब जब कोड देखोगे आप तो उसमें क्या हुआ था कि मैं कॉपी पेस्ट मार दिया था वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था लेकिन आउटपुट सबका सेम ही रहेगा तो जैसे कोई भी ले लेते हैं बबल शॉर्ट तो अभी आप, आप देखोगे जो हमने एंटर किया था वो एरे क्या किया था ट्वेल्व फोर्टी थ्री सिक्सटी फाइव सेवन थर्टी फोर एट्टी सेवन फोर्टी नाइन ये इनपुट भी दे रहा है आउटपुट और उसके बाद जो आफ्टर शॉर्टिंग जो एरे है वो देखो आपका ये शॉर्ट हो गया तो क्या किसी और तरीके से भी इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो ओके सिलेक्शन शॉर्ट मैंने कर दिया थ्री तो फिर ये देखो कि आउटपुट हमारा सेम ही रहेगा और वो एरे क्या हो गया है ऑलरेडी वो एरे ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका था वहाँ पे इसीलिए वहाँ पे सेम ही एरे दिखा रहा है तो और उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कि अब बैक जाना है या फिर कुछ और भी देखना है तो अभी बैक चलते हैं क्योंकि ये तो आउटपुट देख लिया आपने फिर मैं नाइन प्रेस करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है कि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स देना है उसके और उसके बाद सारा हमें फाइंड होगा जो भी एडिशन अप्रैक्शन है अभी यहाँ पे मैं वाई देता हूँ ओके अभी बोलता है कि एंटर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो थ्री देता हूँ तो यानी यहाँ पे दिया से आप देना चाहो मैट्रिक्स फॉर्म में एंटर कर सकते हो या तो एक लाइन में दे दो या एंटर एंटर करके या मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने यहाँ पे वन दिया टू दिया थ्री दिया फोर दिया फाइव दिया सिक्स दिया सेवन दिया एट दिया नाइन दिया यानी कि मैंने नाइन एंटर

अभी आपको करना क्या है यहाँ पे रो एडिशन करना है जैसे रो एडिशन में क्या होगा ये वाली रो ये वाली रो ऐड हो जानी है उसके बाद कॉलम एडिशन में ये जो उसका वर्टिकल वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा उसके बाद रो मल्टीप्लीकेशन में रो मल्टीप्लीकेशन में ये वाला ये वाला वो हो जाएगा देन कॉलम मल्टीप्लीकेशन में सेम होगा देन ट्रांसपोज करना है या एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले रो एडिशन कर लेते हैं तो मैंने वन दिया ओके okay, तो किस मैट्रिक्स का हमें रो एडिशन करना है ए या बी का तो मैंने वन दिया, दिया सॉरी तो ए दिया था देखो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, अब देखो जो, है, जो है ये वाला यानी कि कौन कौन सा वैल्यू वन टू थ्री यानी की कि वैल्यू कितना है सिक्स है देन जो सेकेंड रो है उसके वैल्यू फाइव फोर फाइव प्लस सिक्स फिफ्टीन है जो थर्ड रो है उसका इतना है अभी ये तो रो एडिशन कर लिया अगर सपोज कर लो रो एडिशन अगर देखना ही है हमें फिर से किस मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स का अगर देखते हैं तो ये था फिर उसके बाद देख लो तो ये आ गया ये भी उसका एडिशन शो कर रहा है अगर हमें कॉलम एडिशन देखना है तो मैंने एंटर ए किया और यहाँ पे मैट्रिक्स ए किया इस बार देखो जो ऐड करेगा ना कॉलम मैट्रिक्स वन फोर सेवन इस तरीके से ऐड कर रहा थ्री सिक्स नाइन तो ये उसके बाद फिर अगर है कि कॉलम मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किया तो यानी कि ये जो प्रोग्राम है ना आप देखोगे हम ट्रांसपोज का एक अलग प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन का अलग तो इसमें अगर देखो कहने के लिए क्वेश्चन तो फाइव है लेकिन इसमें मोर देन थर्टी थर्टी से हाँ मोर देन अराउंड थर्टी होगा थर्टी ट्वेंटी टू थर्टी प्रोग्राम्स है जिन सारे को मैंने कंबाइन कर दिया है एक मतलब सिंपल प्रोग्राम में सिंपल ही है ओके फॉर विच मैट्रिक्स ए और बी तो मैंने यहाँ पे ए दिया अब देखो जो मैट्रिक्स ए हमने एंटर किया था वो वन टू थ्री थावन अब देखो ट्रांसपोज होने के बाद देखो वन टू थ्री इधर आ गया फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके फिर और अगर एडिशन फाइंड करना है तो सिक्स देंगे तो आप अगर देख सकते हो आप जो तो इसका जो एडिशन है वो मैट्रिक्स सी प्रिंट हो गया अगर हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या एट तो मैंने एट दिया तो आप ये देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन आ गया इसको वेरीफाई कर सकते हो आप अगर हमें सब करना है यानी कि मैट्रिक्स ए से अगर मैट्रिक्स बी को करना है तो मैंने सेवन दिया ओके okay, तो सेवन देखो तो यहाँ पे क्या है कि द सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज मैट्रिक्स सी और ये क्या हुआ कि ए माइनस बी है तो यहाँ पे देखोगे वन माइनस इज कितना माइनस एट टू टू माइनस एट इज इक्वल टू माइनस सिक्स तो इस तरीके से प्रोग्राम अभी इसमें तो और क्या कॉलम मल्टीप्लीकेशन कॉलम मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार तो ये मैंने फोर दिया तो किस मैट्रिक्स का करना है तो लेट्स से सपोज कि मैंने B दिया तो अब बी में यहाँ पे आ गया तो अब ये क्या करेगा ये सारा कॉलम जो है नाइन इंटू सिक्स इंटू थ्री यहाँ पे ओके okay, पे वो नंबर प्रिंट नहीं कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद एट इंटू फाइव इंटू टू एट इंटू फाइव इज इक्वल फोर्टी फोर्टी इंटू टू यानी कि आउटपुट दे रहा है अभी ये तो सारा चल गया अब इसको मैं नाइन से बैक जाता हूँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन फाइव ये क्वेश्चन फाइव ही था नहीं ओके क्वेश्चन फाइव क्या है ओके हाँ क्वेश्चन फाइव में ये सारा जो नंबर है फिर इसमें देखो ये कहने के लिए एक प्रोग्राम है लेकिन ये तीन या चार प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है तो आप जैसे इसको रन करना है मैंने बोला कि यस करना है एंटर द नंबर जैसे कोई भी नंबर देता हूँ जैसे सिक्सटी फाइव अब चेक करना है कि क्या ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है अगर चेक करना 65 देखते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है स्पेशल नंबर ओके स्पेशल नंबर भी यानी टू दिया स्पेशल नंबर भी नहीं है तो ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा प्राइम नंबर देखते हैं 67 65 है आ, ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर फाइव 5 थर्टीन एंड देन और भी कुछ हो सकता है क्या नहीं प्राइम नंबर यानी कि नहीं है यानी कि थ्री मैंने दिया नहीं सॉरी फोर ओके इज नॉट अ प्राइम नंबर ओके तो अभी क्या करते हैं कि चेक अनदर नंबर कर लेते हैं तो मैंने अनदर नंबर चेक किया और यहां पे मैं वैल्यू जो देता हूँ आर्म स्ट्रॉन्ग का एक वैल्यू होता है थ्री सेवनटी वन वो क्या होता है कि सारे का जैसे थ्री का क्यूब सेवन का क्यूब और वन का क्यूब अगर फाइंड करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा थ्री सेवनटी वन के यानी कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है अभी इसको चेक करते हैं कि वन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है तो यस द नंबर थ्री सेवेंटी वन इज एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर उसका चेक करना है कि स्पेशल नंबर है या नहीं है स्पेशल नंबर नहीं है परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर भी नहीं है प्राइम नंबर प्राइम नंबर अब मुझे तो पता है नहीं देखते हैं इज नॉट अ प्राइम नंबर ओके फिर मैजिक नंबर इसी तरीके से अभी दूसरा एक नंबर ले लेते हैं अनदर नंबर और इस पर मैं क्या करता हूं कि स्पेशल नंबर जो स्पेशल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जैसे वन फोर्टी फाइव इसका वन का फैक्टोरियल फोर का फैक्टोरियल प्लस फाइव का फैक्टोरियल यानी कि जितने भी डिजिट्स नंबर है उसके सारे डिजिट्स का जो फैक्टोरियल होगा ना उसका सम इक्वल टू तो अगर नंबर का हो जाए तो वो हो जाता है क्या स्पेशल नंबर इसको मैंने एंटर किया आर्म नंबर नहीं है ओके थ्री स्पेशल टू है स्पेशल तो देखोगे कि नंबर वन इज एन स्पेशल नंबर ओके okay. और कोई नंबर पता नहीं मैच करेगा नहीं फिर मैं अनदर वैल्यू वैल्यू लेता हूँ और नेक्स्ट जो है एक परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर क्या होता है जैसे सिक्स लिया तो इसका जो प्रॉपर डिवाइजर आएगा वो क्या क्या आएगा वन टू थ्री वन प्लस टू प्लस थ्री यानी कि इसका जितने सारे डिवाइडर हैं अगर वो इक्वल हो जाए नंबर के जैसे इसका जो डिवाइजर आएगा क्या क्या आएगा वन टू थ्री ये सारा डिवाइड करेगा और वन टू थ्री सारे को ऐड करते हैं नंबर के इक्वल आ गया तो ये हो गया प्रॉपर ये क्या बोलते हैं परफेक्ट नंबर उसी तरह का अगर ट्वेल्व है तो उसका डिवाइजर क्या क्या हो सकता है अगर अगर इन ऐड करके अगर वो इक्वल आ जाए नंबर के तो वही परफेक्ट परफेक्ट नंबर नंबर होता है यानी कि में अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थ्री तो देखो कि नंबर सिक्स इज अ परफेक्ट नंबर लेकिन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है तो इस तरीके से ये प्रोग्राम अपना चल रहा है और अभी क्या है कि बैक जाते हैं सेवन से मैं बैक गया ओके और फिर हम मेन पेज पे आ गए अभी इसको अगर हमें क्लोज करना है तो मैं सिक्स एंटर करूंगा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो इस तरीके से देख सकते हो कि एक सिंपल प्रोग्राम में कितने सारे प्रोग्राम को मैंने कंबाइन कर रखा है अगर इसका कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वहां से जाना है कॉपी पेस्ट करना है और कोड ब्लॉक ये कोड ब्लॉक में मैंने रन किया था प्रोग्राम ठीक है तो कोशिश करना आपकी कोड ब्लॉक में ही रन करो तो डेफिनेटली बिना किसी किसी एरर के प्रोग्राम चलेगा मैं क्लोज कर देता हूँ इसको अब सिक्स से तो क्लोज हो जाएगा Okay, do you really want to close the program? Yes, of course. Okay, thanks for using the program. Come back to check another program. Okay.